जी बिल्कुल, ये पता नहीं लाइव आ गया होगा मेरे ख्याल में, लाइव देखता हूँ मैं। कोई नोटिफिकेशन आई है क्या लाइव आने की? हाँ लाइव आ रहे मुझे हैं, तो नहीं आए। हाँ आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए। तो ये खुदैमा भी बोल रहा था आने का, लेकिन खुदैमा भाई गायब हो आप गए। बुला लीजिए। उनको सब टेक्नोलॉजी उनको ज़्यादा समझ में नहीं आती, उनको लिंक भेजो, वो पिछली दफ़ा भी फंस गए थे लिंक के चक्कर में, वो इस पर हाँ इनरोल ही नहीं हो पा रहे थे। मुझे याद नहीं पिछली दफा बात खत्म कहाँ हुई थी। याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू की जा सकती है बात। ये हाँ मौजू चलो बुनियादी तो ये है कि इस्लामी सकाफत के खद्दोखाल। सबसे पहले मैंने वैसे टॉपिक का नाम रखा है शब्बे बारात, बिल्कुल जानबूझकर, ताकि जी शब्बे बारात के नाम क्या से लोग खींचे हुए आ जाए। और शब्बे बारात के ऊपर आवाज हमारा रिपीट हो क्योंकि रही है बार मौके बार। पे थोड़ा सा मेरी नहीं, ऐसी मेरी शायद, मुझे ऐसा लगा नहीं, असल में आपने शायद जो ना मेरी। फेसबुक भी खोली हुई होगी, तो वो उसकी भी अब वॉल्यूम आ रहा होगा। आपने फेसबुक अब का सही वॉल्यूम भी है। खोला हुआ? हाँ, मुझे तो वैसे भी सही आ रही थी। तो ये बस ठीक है, चलते हैं। सही है, तो वही शब्बे बारात पे हमने जो ना इसलिए मौजू रखा है क्योंकि शब्बे बारात पे हमारा मौकफ थोड़ा नरम हो चुका है पहले की बनिस्बत, और अब हम अच्छा उसकी मशरूईयत के कायल हो चुके हैं। तो ये कफारा भी अदा करना था, पहले हम इसको मुतलकन गैर मशरू समझते थे, नाजायज और बिद्दत समझते थे, लेकिन अब जैसे हमने तहकीक की तो सलफी उलमा के इस कदर हवाला जात मिले कि वो इसकी मशरूईयत के कायल थे। इस तौर पर के इस रात की कुछ ना कुछ फजीलत तो है, और इसमें इबादत भी की जा सकती है, और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है, लेकिन मखसूस हैयत पे और मखसूस सिफात पर हर साल एक महदूद तरीका इख्तियार करके इबादत करना, इसको बाद उन्होंने बिदअत करार दिया। और मेरे ख्याल में यही एक तहकीक ज़्यादातर उलमा की है, इस हवाले से देवबंदी उलमा की भी यही तहकीक है, इसमें शायद मुफ्ती तक इस्माइल साहब वगैरह। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। ये है कि मेरी तो इसकी और रिवायत पर सही मामला तहकीक है नहीं। जी आपने जो मौजू रख दिया उस पर मुझे शायद याद है कि एक अब्दुल हफीज मक्की साहब थे, उनकी एक तहरीर थी इंग्लिश में, मैंने बहुत सालों पहले देखी थी। मुझे वो इत्मीनान तसल्ली बख्श लगी थी, वो शायद इसी मौजू पर थी कि अच्छा, इसको साबित किया जाए, और मेरे ख्याल में वो दलाइल अच्छे थे, लेकिन ज़ाहिर मुझे अभी याद नहीं है तो मैं उस पर वो नहीं कर सकता। मतलब इस पर यह कहा जा सकता ज़्यादा से ज़्यादा कि इसमें एक इल्मी इख्तलाफ किसी हद तक किया जा सकता है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि सिरे से ये बिद्दती है। बाज़ उलमा ने इसको कहा है, लेकिन मुतकदमीन में भी जैसे शाम के उलमा थे, जैसे इमाम हुसैन वगैरह हैं, खालिद बिन मादान हैं, या दूसरे बड़े किवार आइम्मा जिनका अपना मज़हब चलता था पूरा मज़ाहिब अरबा की तरह, वो इसकी मशरूयत के कायल हैं और वो रद जगह भी करते थे। हाँ, ये कहना कि अब कब्रिस्तान में जाएं और रूहें आएंगी और वो वगैरह वगैरह, या लैलतुल कदर वाली चीज़ें कि इसमें तब्दील लिखी जाती है, ये काफ़ी कमज़ोर है, और इसको बहरहाल इसको नहीं मशरू कहा जा सकता। जी हर चीज़ पर अब ये हम देखना चाहिए कि बसा औक़ात हसास से हसास मसाइल में भी जेन्युइन इख्तलाफ होता है। मतलब ये जी कहने को तो बिदअत का मसला है, हसास मसला है, लेकिन इसमें भी इख्तलाफ हुआ। मेरे ख्याल में शव्वाल के 6 रोज़े थे, उसमें इमाम मालिक का एक मौक़िफ़ था और वो जी बिल्कुल मखलू अलग था, समझते थे और शायद बिदअत भी समझते थे, और दूसरे ग्रोहों ने ज़ाहिर है इसके जी, बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ क़ायम किया। जिसका सही होगा वही देखा जाएगा, लेकिन तासुब नहीं होना बिल्कुल चाहिए, एहतराम करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, मतलब ये कहना ज्यादती हो जाती है कि जब एक गिरोह की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई ये तो साबित ही नहीं है, बिद्दत होने का मतलब तो ये कि मतलब सलफ में से कभी किसी ने इस पे कोई अमल ही नहीं किया, कोई इख्तियार ही नहीं किया, तो ये थोड़ी ज्यादती हो जाती है, और ये इल्मी ख्यानत भी हो जाती है बयान करते वक्त, क्योंकि जब आप
किसी को ऐसे बताते हो ना कि ये कभी हुआ ही नहीं है और ये सलफ में भी नहीं रहा और इसका कोई वजूद का कायल ही नहीं रहा, उसके बाद जब वो खुद अपनी आंखों से और अपने कानों से ये चीज़ें सुनता है या पढ़ता है कि असलाफ में भी इसके कायलीन मौजूद रहे, तो वो काफ़ी मुतनफ़िर होता है। फिर हमारे यहाँ फिर शिकायत होती है अहले इल्म को कि भाई ये जो ना उलमा से मुतनफ़िर हो रहा है, तो भाई पूरी बात बता देनी चाहिए राजे मर्जू के साथ, तरजीह दे दे दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन जब जो बातें कम अज़ कम वैलिड इख्तलाफ की शक्ल में रही हैं तो वो तो बंदा पूरा बयान करे ना, वरना कहीं और से पता चलता है तो फिर बंदा मुतनफ़िर ही होता है, उसका ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाता है उन लोगों पे कि जो पहले जिन्होंने बताया था कि भाई ये तो साबित ही नहीं था, मतलब या तो आप झूठ बोल रहे थे या आप ख़यानत कर रहे थे या आपको पता ही नहीं था। तीनों सूरतों में ये है कि आपकी रिलायबिलिटी और वो जो है ना क्रेडिबिलिटी वो मशकूक हो जाती है अगले की नज़र में। अगर आपको नहीं पता था तो इसका मतलब आप बग़ैर पते ही फतवे देते रहे बग़ैर तहकीक किए, और अगर आपको पता था आप छुपाते रहे तो ये ख़यानत है, कम अज़ कम बताना तो चाहिए था। तो ये है मतलब बसा औकात ये भी तो होता है कि इन अहले इल्म में से खुद ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता होता, इख्तलाफ होता है एक मौजू पर उनको खुद नहीं पता होता। ये भी सुना तो मैंने है कि कुछ मसाइल होते हैं, और बताते खुद देखा भी है कि उनको उसमें इख्तलाफ का इल्म नहीं होता। जैसे दाढ़ी का एक मसला है, अब इस मसले पर भी इख्तलाफ तो जी मौजूद है। अब वो सही है नहीं है, किसका क्या मौका है कहलाता वैसे, लेकिन एक इख्तलाफ मौजूद है, लोगों ने लिखा है उसको किताबों में, लेकिन आप उसको इस तरीके से बयान कर रहे हो जैसे कि यकीनन जो दूसरा मौक़िफ़ है वो किसी लिबरल का होगा, वो यकीनन किसी फेमिनिस्ट का होगा, वो किसी ऐसे आदमी का होगा। बिल्कुल इस तरीके के तासुबात कायम हो जाते हैं। अभी दानियल हकीकत जो भी जो है वो भी इसी मिजाज पर थोड़े से चल रहे हैं। मैंने मतलब अब बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर उन्होंने इतना फेमिनिस्ट का फतवा लगा दिया, वो खातून पर वो सारी चीज़ें हुई। तो ये हसासियत जो है वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में, इतनी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये तो खवातीन की आदत है। बिल्कुल। अभी एक रफादन के मसले पे भी जब कुछ दो चार अकवाल लगाए थे, अब देखें उसमें नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो वो अहले हदीसों के समझे फाउंडिंग फादर समझे जाते हैं बरसग़ीर में एटलीस्ट, और उनके वास्ते के बगैर ऊपर सनद नहीं आती, या समझे रिवाइवर थे वो अहले हदीस मूवमेंट के जो है ना बरसग़ीर में या तकलीद के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनका भी मौक़िफ़ यही था रफादन के मुतालिक और इमाम इब्न कय्यम जो अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं मसलक अहले हदीस में, तो वो भी नरम थे, हालांकि उन्होंने खुद रफादन के इस बात पर और सबूत पर पूरी किताब लिखी है, और उनका भी यही मौक़िफ़ था कि मजबूत बात यही करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखें कुछ भाई भाई नाराज़ हुए तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो पता नहीं मसलक से बगावत है या हक से रूगरदानी है या सुन्नत की तहकीर करने वाली बात है, हालांकि भाई ये फिर आप इंसान अपने बड़ों पर ही फतवा लगा दे, असल बात यही है ना कि बताया नहीं आता, जो उलमा मुहक्किकीन होते हैं ना वो आधी बात या तो छुपा देते हैं क्योंकि जब कहीं और से पता चलती है तो फिर वो उनको गुस्सा आता है कि यार इनको कैसे पता चल गई या इनको खुद नहीं पता था, और बहुत दफ़ा ये देखा है कि अपने से ज़्यादा दूसरों की किताबें पढ़ने में फोकस होता है, मतलब एक अहले हदीस मुहक्किक या देवबंदी मुहक्किक को ये तो पता होगा कि हमारे उनके बुजुर्गों ने क्या लिखा है फना दूसरे मसलक के बुजुर्ग में, बाद दफ़ा अपने बुजुर्गों की बातें नहीं पता होती, जब वो फिर सामने आती है ना तो वो फिर हजम करना मुश्किल हो जाता है, और वो सेम बातें होती हैं, वो उसी नौइयत की बात कर रहे होते हैं कि जिस नौइयत की जिस बात की बुनियाद पर वो दूसरे मसलक के बुजुर्गों को फतवा लगा रहे होते हैं, तो जब आप इंसान अपने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ता है ना तो फिर उसको यही होता है कि वो दूसरों को भी इसलिए पढ़ रहा होता है कि दूसरों को तो जलील करना होता है ना, अपने को तो उनको लगता है कि उन क्योंकि उनके कुछ बड़ों ने बता दिया होता है कि सबका यही कहना है, किसी ने ऐसी बात नहीं की पीछे, तो वो उसी पे इत्तेफाक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी इख्तलाफात और ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से देखें हमारा मौजूदा हाल जो मुसलमानों का है वो है। आप खुद गौर करें कि मतलब हम लोग क्यों एक हुकूमत नहीं बना पाते, इतने सारे तबकात हैं। अब आप कोई हुकूमत बनाएंगे, कोई कानून बनेगा रियासत का, वो उसके मुताबिक चलेगा। अहले हदीस कहेंगे कि नहीं हमारा बिल्कुल ही मौक़िफ़ है, हमारा वो मनहज है, उस पर चलो। आनाफ कहेंगे हमारा ही मौक़िफ़ है, हमारा ही मनहज है, उस पर चलो। अहले तशय्यु का कुछ और होगा, किसी चीज़ पर इत्तेफाक भी नहीं हो पाता। इतने तंग दिल हो गए हैं कि किसी दूसरे को सुनने तक यार नहीं। मतलब एक तो ये होता है कि आप वहाँ मुशावरत करें, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, मिल बैठ कर कोई फैसला करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मतलब हम इस स्टेज पर भी नहीं पहुँचे, और फिर हम ये शिकवा करते हैं कि ये तो तागूत हुक्मरान हैं, ये वो हैं वो हैं। मतलब हम लोग खुद, हमारे इख्तियार में भी कुछ आ जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना हम लोगों के दिल तंग हो चुके हैं एक दूसरे से, इतनी नफरत तो बहुत समय खुद अपने साथ बैठे शख्स से होती है। मतलब खुद और माल के भी हरीस हैं हम लोग। मतलब एक तो हमारी माली अदावतें भी बहुत हैं मुसलमानों की आपस में, एक दूसरे की रिश्वतें लेते हैं, खुद ही एक दूसरे
को मारते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मतलब अदावतों का ही मसला था, यहूद के अंदर भी ये मसला मेरे ख्याल में, तो उसमें लिखा हुआ है बाइबल के अंदर भी कि उन पर जो इतने हमले हुए थे उसमें एक बड़ी वजह ये जिक्र की गई थी कि उनके दिल आग की तरह एक दूसरे के बिल्कुल जल रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। और फिर जो उनके साथ हुआ ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सुमत पर इतना कुछ नहीं हुआ, कि हमें जब कब्जा भी हम पे कर लिया गया ना, उतनी जिल्लत हमें नहीं सहनी पड़ी जितनी यहूदियों को सहनी पड़ी तारीख भर में। ये सिर्फ एक एहसान है अल्लाह बिल्कुल का कि हम लोग बिल्कुल जब अलहमद हमें हमें कोई कॉन्कर करता था, हमें कोई फतह करता था, तो लोग हमारा मतलब कबूल कर लिया करते थे। तो ये एक मुसलमानों अलहमद के अंदर, और ये भी जाहिर है वो सकाफत वाली बात है, उससे जुड़ी चीज़ है कि इतनी पावरफुल ट्रेडिशन है मुसलमानों की कि मंगोलों की चार सल्तनतें बनी, उनमें से तीन मुसलमान हो गई, वो जिन्होंने खुद मुसलमानों पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल और ये हजरत मुआविया का भी बिल्कुल एक कॉल था इस मौजू पर कि सिवाय मेरे ख्याल में बनी मतलब सिवाय मुसलमानों के ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी है जो इतना इख्तलाफ करती हो, इतना लड़ती हो आपस में, फिर भी एक स्टेबल पोजीशन में मौजूद है। तो ये भी एक खैर अल्लाह का एहसान है, लेकिन फिर भी हम देख तो रहे हैं कुछ समराहत तो हैं, कुछ असरात हैं, हल्के फुल्के ही सही, कुछ मसाइल हैं जाहिर है जिसका हम सब जिक्र करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं, रोना भी रोते हैं और फिर खुद दिल से नफरत भी नहीं निकलती। सही। अच्छा ये आमिश भाई, एहसन अल आमिश भाई का सवाल आया, वो कह रहे हैं कि रोजे के मुतालिक क्या कहना है शब बरात वाले दिन। भाई शब बरात के मुतालिक जो रोजे की जो रिवायत है या क़यामुल लैल की रिवायत है, तो वो उन पर कलाम तो मौजूद है, लेकिन बात असल में ये है कि मशरूयत इस दिन इबादत की जमहूर उलमा के नज़दीक साबित है। वो कहते हैं कि खास करके ना किया जाए तो रोज़ा भी उसी में आ जाता है, लेकिन अगर कोई और किसी को लगता है, जैसे बहुत से उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि ज़यीफ़ हदीस जो होती है, जिस मतलब मौजूद दर्जे की ना, उस पर फ़ज़ाइल अमल में अमल भी किया जा सकता है, बयान भी किया जा सकता है, लेकिन इस बात का एहसास हो और पता हो कि ये रिवायत पे कलाम है, तो बिलजज़म अगर कोई नहीं समझता कि ये इस दर्जे की मौजूद रिवायत है या ज़यीफ़ रिवायत है, तो अगर वो कर लेता है इंशाल्लाह तो उस पर ऐसी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बिलुमूम इबादत के अंदर ही आएगी। और कोई नहीं करना चाहे तो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि रिवायत के बारे में है तो कलाम से तो खाली नहीं है, और मजमूई तौर पर ही उलमा ने इसको बड़ा कहा है कि इसमें मजमूई तौर पर रिवायतों को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कोई ना कोई फजीलत तो है, और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की बन जाती है, तो इस तरह तो इसकी फजीलत साबित नहीं है जैसे कि शब कदर की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ऐसी रियायत है कि जिसका कभी कोई जिक्र ही नहीं था असलाफ में, या कोई जानता ही नहीं था, या ऐसा लगता है कि अभी 200 साल पहले की पैदावार है, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। बस मखसूस हैत पे ना हो, जैसे कि इमाम ने तैमिया का भी ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई हर साल ये बना लिया कि भाई ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, हर मस्जिद में यही पढ़ा जाएगा 1000 मरतबा ये, या इतनी इतनी रकातें, तो फिर ये बिद्दत की हैसियत इख्तियार कर जाती है, तो ये अलग बात है। हमारे एक भाई ने लिखा है कि हम आप फुरू में फंसते हैं, अकीदे को तरजीह बुनियादों पर डिस्कस करें ताकि बुनियादी मकसद हासिल हो सके और शिरक और बिद्दत लोगों पर वाजे हों और हक व बातिल में फ़र्क करना आसान हो सके। सही बात है बिल्कुल, सरदार जवाहर अली खान भी जो माशाल्लाह बहुत एक आलिम दीन है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आपकी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे हमारा आज का मौजूद है इस्लामी सकाफत के खद्दो खाल, जो सैयद उकाशा भाई ने छेड़ भी दिया है, तो मेरे ख्याल में उसी कंटिन्यू करते हैं। उकाशा भाई अगर अपना न्यू माइक अनम्यूट कर लें। कंटिन्यू तो खैर हम कर ही देंगे, लेकिन मुझे वैसे याद नहीं है, इस मौजू पर पहले भी एक दफ़ा बोल चुके हैं, वो मुझे याद नहीं कि कहाँ ख़त्म किया था, क्योंकि अभी अभी आए हैं बस जल्दी से। तो बहरहाल मौजू यही था कि जो इस्लाम की सकाफत है बुनियादी तौर पर, सकाफत क्या चीज़ होती है, जी एक चीज़ होती है तहजीब, एक चीज़ होती है सकाफत, सिर्फ तहजीब सिविलाइजेशन को कहते हैं, सकाफत कल्चर को कहते हैं अगर मैं सही हूँ तो एक जो चीज़ सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी तहजीबों या बहुत सारी सिविलाइजेशंस के अंदर कोई एक कल्चरल एलिमेंट हो। कल्चर देखिए बेसिकली इंसान की एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो जानवरों में नहीं होती, तो उसका किसी ना किसी शक्ल में इजहार हो जाता है कल्चर के अंदर, जिसमें हमारे जैसे फ़नून फ़नून जिस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, आर्ट्स हैं, कुछ ख़ास किस्म की स्किल्स भी शामिल हो जाती हैं, और मखसूस लिबास भी है ज़ाहिर है किसी ख़ास तर्ज़ मुआशरत में, जैसे कोई पहाड़ों पर रहता था तो वहाँ उसने कुछ ख़ास किस्म का लिबास पहनना शुरू कर दिया, या कुछ ख़ास रवायात हैं, इसी तरीके से फेस्टिवल्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें कल्चर का हिस्सा होती हैं। तो ह्यूमन में एक चीज़ है, कैपेबिलिटी है जो शायद जानवरों में नहीं है, और उन्हीं की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को कल्चर जो है वो एक तरीके से वो मुंतकिल हो जाती है कल्चर में, और
तहजीबें भी जाहिर है कि बसा औकात या तो बहुत सारे कल्चर्स का मजमुआ होती है या सिर्फ एक ही कल्चर का भी मजमुआ हो सकती है, लेकिन एक बड़ी लार्ज स्केल पर एक नज़म को जो है हम लोग एक सिविलाइजेशन के अंदर लिख रहे होते हैं, एक जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है, बहुत लार्ज स्केल पर एक जो है वो नज़म वजूद में आ चुका है। अब प्रॉपरली डिफाइन तो शायद करना है इन चीज़ों को, एक ख़ुद एक मौजू है बड़ा तवील, लेकिन ये बेस्ट जो है कि बेसिकली है क्या चीज़ वो समझी जा सकती है। तो इस्लाम ने भी ज़ाहिर है एक मखसूस मिजाज दिया है, उस मिजाज के ज़रिए कुछ चीज़ें पैदा हुई और ख़ुद उसने जो है कुछ कल्चरल एलिमेंट्स को डेवलप किया, जिसमें हम देखते हैं कि कैलीग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुसलमानों में हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामिक कल्चर की एक तो बुनियादी वो हैसियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी की, वो ये है कि जैसे नमाज है वो एक आफती एलिमेंट, मैं इसको कहना शायद अजीब लगेगा, मकसद ये नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों की इज्तिमाईत का इजहार है, यानी ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी सूरत मुसलमानों से जुदा नहीं कर सकते, वो एक ऐसी जिसे आप कह सकते हैं कि वो लाजमी हिस्सा है मुसलमानों की एक कल्चरल, जो उनके अंदर इनकलाब बरपा हुआ है उसका एक इजहार है, जो इनकलाब अरब में उस वक्त बरपा किया गया था उसकी एक यादगार है, उसको बार बार उसको हर आप 5 दिन में उसको जो है वो देख रहा है। फिर ये अल्लाह तौहीद जो है, तौहीद के एलिमेंट्स हैं जिसमें ज़ाहिर है हम बुत परस्ती को शदीद जो है वो नफरत करते हैं उससे, और बुत परस्ती की तमाम अलामत चाहे वो तस्वीरों की शक्ल में हो चाहे वो किसी भी शक्ल में हो हम अपने घरों में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें जो किसी तरीके से जो है वो उसको हिंट करें, ये हमारी कल्चरल एलिमेंट में, यानी हम पसंद ही नहीं करते किसी के आगे झुकना, यानी कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ आप लोगों के सामने झुक जाते हैं, आप उनके पैर पड़ना शुरू कर देते हैं, हमारी कल्चर में ये चीज़ नहीं है। तो ये तो वो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो दीन ने बतौर मिजाज में दी हैं। फिर दीन में एक और खसूसियत ये भी है कि बहुत सारी सकाफ़तों को जब दीन में दाखिल हुआ तो दीन के अंदर एक चीज़ ऐसी है कि वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट इस तरह हो जाता है कि वो उन सकाफ़तों की बहुत सारी चीज़ों को बाकी रखता है और बिल्कुल ख़त्म नहीं कर डालता। और ये चीज़ हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे अंदर आज तक वो जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनके अंदर वो मिजाज आज भी मौजूद है, जो कदीम, मतलब हम बहुत सारे रवैयों बहुत सारी नफ्सियात को अगर देखें तो कदीम दौर में भी वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद थी, और इस्लामी दुनिया में ही मुख्तलिफ जगहों पर हम जाएँ तो हम उन असरात को देख रहे होते हैं। तो उसने बहुत सारी सकाफ़ती चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, यहूदियत ने नहीं किया, यहूदियत जैसे एक चीज़ है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो है या फिर ये पारसियत है, इसने भी शायद इस तरह नहीं किया, क्योंकि ये वो मज़ाहिब थे, ये वो चीज़ें थी जो एसिमिलेट नहीं करते, जो इम्तिजाज नहीं करते, और इनके यहाँ बड़ा मसला रहा है कि ये इम्तिजाज नहीं करते, उस सबब ये अपनी कल्चरल एलिमेंट भी खुद डेवलप करते हैं, बल्कि ये यूरोप में यहूदी रहे तो उन्होंने अपनी एक अलहदा ज़बान बना ली। तो मुसलमानों में ऐसा नहीं रहा, इन्होंने ऐसा, बल्कि दीन में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जो उसको मशरू करे आपके लिए लाजिम ठहराए, बल्कि बहुत सारे कल्चर्स को इसने अपने अंदर जो है वो समो लिया और एक नया जैसे कहते हैं कल्चर फॉर्म किया। और अगर हम देखना चाहें कि इसके और मजीद एलिमेंट्स जैसे हमारी मस्जिदों की तामीरात हैं उसके ख़ास तरीक़े वजूद में आए जो जो कि इस्लामी रवायत का ख्याल रखते हुए भी कोशिश की गई होगी, कैलीग्राफी है, ये चीज़ भी एक बहुत अहम कल्चर एलिमेंट्स हैं, तो एक मखसूस कल्चर है जो मैंने मैं पावरफुल एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि जी जो है जी आवाज़ मेरी आ रही है या कट रही है? कम आ रही है, अब सही आ रही है, कुछ बेहतर हुई कुछ जी? मुझे को बता दे मेरी आवाज सही आ रही है। अच्छा, मैं इसमें ये बस इजाफा करना चाहूंगा थोड़ा सा कि ये बात सही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी अगर आप देखें एवोल्यूशन, उसमें एक वजह बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इजाद की जाती है। तो जब इस्लामी सकाफत का जो है इर्तिका हो रहा था तो उसमें जब मसाजिद की तामीर होती या मुसलमानों के अपने मसाइल हल करने के लिए, मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें महफूज करने के लिए पूरा एक इल्म वजूद में आ गया। अब एक तारीख नवेसी आई, फिर उस तारीख नवेसी को जब्त में लाने के लिए कागज़ कलम का इर्तिका हुआ, मुख्तलिफ किस्म के औराक सामने आए, मुख्तलिफ किस्म की लिखने की जो है किताब लिखने की जो है किस्में सामने आई और लिखारियों की जो है किस्में सामने आई, उसूल मुरतब हुए। इसी तरह तामीराती उमूर और जो असले वगैरह के उमूर थे उसमें भी मुसलमानों ने कई
अपनी ज़रूरतों का हल करने के लिए, जैसे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने बहरी बेड़े को एक मतलब वहाँ पे अरब में उसका उसको समझे इजाद किया, इनिशिएट किया, और कितनी मुसलमानों की इस तरह जंगें उठाएं जहाँ पहली मर्तबा वो चीज़ दुनिया में सामने आई जो मुसलमानों ने की। अब कोई अगर ये जाहिलाना एतराज़ करे कि भाई ये तो जंगों के लिए था या ये, तो भाई जितनी इस वक्त टेक्नोलॉजी आम हो रही है वो सब एक दूसरे पे वो पावर गेम के लिए ही है, मतलब एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं उसी के लिए वो पावर हासिल करते हैं और उसी के लिए नई नई टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, भले वो सैटेलाइट को आसमानों पर भेजना हो या GPS सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन हो, वो सब इसलिए कि एक दूसरे पर कंट्रोल हासिल हो। और फिर उसके ज़िमनी फ़वाद भी बहुत सारे हासिल होते हैं, मसलन एक बड़ी चीज़ बड़ी तोप या बड़ा बम बनाने के लिए किसी ने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की या उसको ईजाद किया, तो वो फिर टेक्नोलॉजी बहुत सारी छोटी चीज़ों में भी काम आती है। तो ये मुसलमानों में भी होता रहा, हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामी सकाफत से नफरत दिलाने के लिए बस ये पेश कर दिया जाता है कि भाई जंगे की, भाई जंगों में जो हर्डल्स आते थे फतुहात में या ट्रैवलिंग में इधर से उधर लश्करों को ले जाने के लिए, तो वो चीज़ों में भी जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, तो उसमें कितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और कितनी चीज़ों की इजाद सामने आई, ये चीज़ भी समझने वाली है। और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की अगर आप एवोल्यूशन देखें तो वो भी वो स्टेट लेवल पर ही हो पाती है जब स्टेट की सपोर्ट होती है, कोई गरीब बंदा झोपड़पट्टी में बैठ के ऐसी चीज़ इजाद नहीं कर पाता, तो ये चीज़ समझने वाली होती है। ये जो जो एलिमेंट्स होते हैं या अवामिल होते हैं किसी सकाफत के पनपने के या उसके इर्तिका के, उनमें ये चीज़ें बहुत अहम शामिल हैं कि वो या तो कारोबार को की तस्हील के लिए या उसको आसान बनाने के लिए चीज़ें ईजाद की जाती हैं, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, या ट्रैवलिंग के लिए, या जंगो जदाल को आसान बनाने के लिए और अपने जो है दुश्मन को मغلوب करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। और दुनिया में हमेशा यही होता आ रहा है, और अगर मुसलमानों के दौर में भी अगर जंगो जिदाल का भी अगर एक अंसर मौजूद रहे सकाफती इर्तिका के लिए, तो ये कोई मायूब चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल फितरी चीज़ है। जी ऐसा ही है। और एक ख़ास एलिमेंट जिसका जिक्र जो है मैं बार बार हमेशा उसका जिक्र करता हूँ, वो खैर सकाफत तो अब नहीं रही है, वो एक ज़माने में थी, वो थी टेडी हदीसों को रवायत करने की, वो जिसे कहते हैं कि एक घुस गई थी पूरे मुसलमानों के अंदर, इसको मुसलमानों ने इल्म, ये वो चीज़ है जो मुसलमानों ने डेवलप की थी और इसके असरात जो है वो और लोगों ने भी कबूल किए और तहजीबों ने भी कबूल किए। तहजीबों ने क्या है, मतलब जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, इनके साथ भी यही हुआ कि कुछ लोगों ने सनदें लिखना शुरू कर दी इन तक। खैर इस तरीके की चीज़ें जो है वो और लोगों ने भी की, मतलब इसको इंट्रोड्यूस इस्लाम ने करवाया था ना, बाइबल तक ऐसा कुछ था ना, यहूदियों में ऐसा कुछ था। सनद का जो पूरा तस्वर है, मैंने तो 1000 साल पहले के बादशाहों के बारे में 1000 साल बाद लिखता था, एंड उसको भी काबिल एतमाद समझा जा रहा होता था। मतलब हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, वो इतनी गैर मोतबर हद तक लिखी जाती थी, इतनी गलतियों का उसमें इम्कान होता था कि नाकाबिल बयान है। और इस बिल्कुल तरीके से तारीखें बयान हो रही हैं, मतलब जो इल्म हदीस के पूरे रिकॉर्ड है उसमें भी ज़ाहिर है कमी बेशियाँ तो इंसानों से हो ही जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस कदर प्रिसाइसली हम तक पहुँच गई हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया उस पूरे दौर का, हम ट्रेस कर सकते हैं अपने आप को उस दौर तक, बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़ाहिर है, वो इस ज़माने में पूरा कल्चर था किताबत का, वो सारी चीज़ें जो थी मुसलमानों, अब तो वो नहीं रहा है, लेकिन वो भी एक मखसूस जो है वो शान हमारे अंदर पाई गई है हमारी तहजीब में। और ये इंटेलेक्चुअल मतलब ये ज़रूरियात के तहत ही चीज़ें वजूद में आई थी और इन्होंने डेवलप की, जैसे एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल है, इसको भी मुसलमानों को आप देखें कि ये एस्ट्रोनॉमी में बिल्कुल दिलचस्पी क्यों लेनी पड़ी, एस्ट्रोनॉमी है इसमें भी दिलचस्पी लेनी पड़ी, कबीलों के तायुन थे, इन सब में ज्योमेट्री लगानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप देखें कि कबीलों बिल्कुल को अगर हम अर्थ को स्फेरिकल अज्यूम करें तो हमें ज्योमेट्री अच्छी खासी लगानी पड़ती है वो सब कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो सारे बिल्कुल काम जो हैं वो किए गए। तो ये सब का खैर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो मुसलमान ने दुनिया में हुई, एक तो वो सकाफती इजहार भी है जिसको एक गैर मुस्लिम आए तो वो ऑब्जर्व करता है किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर, वो अल्लाह मतलब हम लोग उसको खुद ही तर्क किए जा रहे हैं, खुद ही उसको लीव किए जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ है। यानी ये जो चीज़ें हैं कि हम लोग किसी के आगे छुपते नहीं हैं, ये सब नहीं करते, मतलब ये इस बात का इजहार है कि हम लोग कितने बिल्कुल मजबूत अकीदे रखते हैं उस हवाले से, अल्लाह की रात के हवाले से, वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये एक यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल में जो एक बहुत सारे कल्चर का दुनिया में मसला ये है कि वो अपना अलावा अपना कोई राइवल बर्दाश्त नहीं करते, वो एसिमिलेट नहीं करना चाहते, वो इम्तिजाज नहीं करना चाहते। मुसलमानों ने ये इम्तिजाज को थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त किया बिल्कुल नस्बता दूसरी तहजीबों और दूसरी तहजीबों की ज़बानों को, ये नस्बता अच्छा खासा बर्दाश्त किया गया है और उनकी रवायात को भी अच्छा खासा बर्दाश्त किया गया है,
जो कि आज तक मौजूद रहती हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, मतलब कुछ इलाके रूस की तरफ के हैं, वहाँ उनकी सकाफतें बाकी हैं, आज भी मुसलमानों के अंदर जो हैं वो इतनी ग्रो मौजूद हैं, जिनकी अपनी कल्चर शेप, और उसमें भी दायरे कुछ चीज़ें गलत भी हैं, यानी कि हाँ कुछ कल्चरल चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जब आप मुसलमान होते हैं, वो नई छोड़मानों को ने कबूल करवा लिया अपने अंदर, जो है वो मुख्तलिफ कल्चर्स को एसिमिलेट करवा लिया, और इसीलिए ये बड़ा पावरफुल रहा दुनिया के अंदर। हर कौम के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो मतलब मैं कहता हूँ ये जो जदीद दौर है, इसके अंदर ये चीज़ है कि इसने हर तहजीब से अपना वो मनवा लिया कि हम हैं कुछ, और इतना मनवा लिया कि अब जाहिर है हर कोई इसका लिबास पहनता है, हर कोई उसकी जबान पहनता है। और ये चीज़ मुसलमानों ने भी की करके दिखाई है कि वो जिस इलाके पर कब्जा करते थे वहाँ पर एक बड़ा गैर मामूली असर छोड़ के जाते थे, क्योंकि बड़े अरसे तक ख़त्म नहीं होता था। और ये सारी चीज़ें जाहिर है कि वही चीज़ है कि उसने वहाँ के कल्चर को भी सेफ रखा, एक हद तक महफूज किया। और जदीद तहजीब ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, अगर आप गौर करें तो बसा अवकात वो उन कल्चर्स को उखाड़ कर फेंक देती है। यानी ऐसी बहुत से इलाके, जैसे आप देखें कि जब उन्होंने कॉलोनाइज किया, अमेरिका पे कब्जा किया या ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया, तो वहाँ पर भी जिसको वो अबोरिजिनल्स कहते हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग मौजूद थे, कबाइल थे, उनकी भी अपने कल्चर थे। वो चाहते तो उन कबाइल को डेवलप करते या वो कुछ करते नहीं, उन्होंने ये सब नहीं किया। उनको अपने से हकीर समझा, उनको उन्होंने जो है साइड पर लगाया हुआ है और अपने आप को सेपरेटली डिस्टिंक्टली लगाया, और उनका अपना कल्चर वहाँ तो रहा, लेकिन उन्होंने उनके जो अपना कल्चर था, यानी कि जैसे अंग्रेजों का कल्चर था, उसने उस कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो मकामी कल्चर, यानी उसमें वो एसिमिलेटिंग चीज नहीं है, उसमें इम्तिजाज का वो जज्बा नहीं है कि वो दूसरी तहजीबों को, ये जो जैसे कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन का एहसास है, ये बताते खुद कल्चर का ही दुश्मन बनता जा रहा है कि हम लोग हर चीज को ग्लोबलाइज करने के चक्कर में, मतलब कल्चर इसका एक तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं कि वो जो यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस वो कौम महसूस करती है। अगर जो नाम बिल्कुल ऐसे ही मुसलमानों ने देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नाम उसका ये किया जाता है कि हाँ कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कह रहा था कि जैसे मुख्तलिफ कबाइल थे, अब कप्तान जो है जी ये देख लें, एक बंदे एक भाई का सवाल है, तारीख इंसानियत में बहरी समंदरी जंगों की इब्तिदा कब हुई? भाई ये मुझे तो नहीं पता, काशा भाई को पता होगा तो बता देंगे, ये इब्तिदा कब हुई बहरी जंगों की? मेरे ख्याल में तो भाई मुझे दुनिया भर में जंगें हो रही है, मैं बगैर इल्म के नहीं बोल सकता, तो मुझे कुछ खास पता नहीं। अच्छा वैसे इस इन चीज़ों में पता है एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो बहरी जंगें हैं या इस तरह की जंगों का जो वजूद है, अब आप देखें अल्लाह ताला जब आदम अलैहि सलाम की तख्लीक कर रहे थे तो फरिश्तों ने भी मतलब ये बात पूछी थी कि आप ऐसी मखलूक बनाने वाले जो खून बहाएगी या मतलब फसाद बरपा होगी होगा उससे, तो इसका इससे बाज़ उलमा ने मुराद लिया है और कई एक उलमा का मौक़िफ़ है, बल्कि इमाम इब्न कसीर ने भी लिखा है कि बहुत से उलमा का मौक़िफ़ है कि ज़मीन पर पहले भी एक मखलूक मौजूद थी आदम अलैहि सलाम से पहले, हिन और बिन उसको नाम दिया गया, कहीं रम और तम नाम दिया गया, और टाइटन्स भी उनको कहा गया। टाइटन्स का जो कॉन्सेप्ट एनिमेज वगैरह में है या दूसरी मतलब जो मूवीज़ आती हैं या जो सीरीज आती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये इस्लामी किताबों में भी मिलता है आदम अलैहिस्सलाम से पहले की एक मखलूक जो कि जिन और इंसानों की तरह ही शायद थी, लेकिन उनसे फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है फरिश्तों के ज़रिए उन पर अज़ाब नाज़िल किया, तो ये फरिश्तों को कुछ ना कुछ इस बारे में था शऊर के इस तरह की मखलूक दोबारा पैदा होगी जो इस तरह कर सकती है। तो मुमकिन है बहुत सारी चीज़ें हमारे से चलती हुई आ रही हैं पहले से ही, जंगो जिदाल और उसके तरीके, तो इसलिए कहना शायद मुश्किल है। अब इंसानों में किसने की ये भी नहीं पता, बाकी भी सवाल कोई कर सकता है। नौलियत का इल्जाम है कि ये जो हम कहते हैं ना कि जंगो जिदाल मुसलमानों ने किया है, वो सब किया, मतलब दुनिया की कोई कौम की तारीख निकाल लीजिए, अगर जंग आप निकाल दें तो तारीख में कुछ बच नहीं जाता। मतलब जंग इतना अहम क्रूशल चीज़ है कि वो दुनिया की हर कौम की तारीख में आपको मिलती है, इसे मुसलमानों के साथ थोड़ी होता है। और वो कौमें जिनको जंगों से मना किया गया, बुद्धिस्ट थे, ये तो जंगों के बहुत सख्त खिलाफ थे ना, ये तो बिल्कुल राहिब लोग थे, मतलब इन्होंने क्या जंगें नहीं लड़ी, इन्होंने क्या खून नहीं बहाया, मतलब सब कुछ हुआ। अरे मुसलमानों ने इसको एम्ब्रेस किया, इसको एक फितरी चीज़ थी, इसको एम्ब्रेस किया कि हाँ ये फितरी चीज़ है, ये होगी, हमें लड़ना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए भी लड़ना पड़ेगा और अपनी ग्रोथ के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम ना करें तो जाहिर है कि हम लोग फिर जैसे कहते हैं कि ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे,
हमारे पास फिर वो नहीं रहे। और ये क्या है? आज की दुनिया में भी हम देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ एक दूसरे को बराबर समझते हैं। अमरीकी हमें बराबर कभी नहीं समझेंगे, हमें कोई इमिग्रेंट का वो जो इमिग्रेंट्स भी मुश्किल इमिग्रेशन भी मुश्किल कर दिया उन्होंने। वो डोमिनेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं हम बिल्कुल बेहतर से बेहतर बनते जाएं। कोई हमें बराबर नहीं समझता दुनिया में आपस में, हम लोग सिर्फ ये वहम में मुब्तला हैं कि सब इंसान एक दूसरे को बराबर समझें। और मगरबी तहजीब ने तो बड़ा अच्छा असूल बना दिया कि सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। वो आपको इक्वल समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। अगर इक्वल समझते होते तो वो नज़र आता उनके रवैयों में, उनके मिजाज में। वो आपको इक्वल नहीं समझते, वो आपको हकीर समझते हैं, चाहे कॉन्शियस की अनकॉन्शियस की, वो एक अलग बात, एतराफ करे ना करे। बिल्कुल भाई, किसी के सवाल आते हैं तो वो भी कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो ये लिखा है मोहम्मद सुहेल भाई ने, एहसन तो गामदी है, एहसन अल आमश आमी है, काम के बंदे नहीं। यार ये तो खैर अजीब से कमेंट्स है, कुछ काम का कमेंट तो वो इंसान करे। और मैं तो काशा भाई से बोलूँगा कि हमें हर हफ्ते या इस बार वाले दिन एक इस तरह का एपिसोड रखना चाहिए, इससे के लिए मुदाकरा भी होता है और दूसरे भाइयों को भी सीखने का मौका मिलता है। कोई ज्वाइन भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अदबो आदाब के दायरे में रहकर। आशा भाई मेरे ख्याल में चले गए हैं शायद, उनका माइक बंद है। नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं बंद इसलिए कर देता हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा एक मसला हुआ था ना कि वो माइक जो है, वो आवाज़ जो है वो कट रही थी आपसे, तो अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सही। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का एक एपिसोड जो है हर हफ्ते या इतवार को होना चाहिए, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, अच्छी तो बात दूसरा भी कोई है, पार्टिसिपेट कर सकता है। बिल्कुल करना भी चाहिए। जा रहा है, मतलब गुफ्तगू तो होनी चाहिए। सर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कुछ होते हैं, मतलब जिनको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, उनमें इसी तरीके की मौजूदात पर अपना जहन खोला जा रहा होता है कि आपने जो है उस वक्त जो है, यानी जिस वक्त गुफ्तगू हो रही है, आपने उसी वक्त सोचना है, उसी वक्त जवाब देने हैं, उसी वक्त जो है वो कॉन्शियस रहना है आपने। इस बिल्कुल तरीके के सेशंस बहुत मुफीद होते हैं। मैं कोई ऐसा आलिम वालिम थोड़ी हूँ कि मुझसे सवाल अच्छे जाएंगे, दूसरों को भी शरीक होना चाहिए कि वो दूसरे भी अपने आप बिल्कुल को पार्टिसिपेट करें। मैं क्या हूँ, मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। बिल्कुल, एक दूसरे से इंसान सीखते हैं। और इस तरह के सेशन से बहुत फायदा होता है कि जब इंसान को स्पॉन्टेनियस जवाब देना पड़ता है तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। उसमें एक फायदा ये होता है कि जब आप अगर आप किसी ऐसी मजलिस में आपका सामना किसी बाद ऐसे लोगों से हो जाए जो इस्लाम के खिलाफ या मतलब इस्लाम उनके जहन में कोई इश्काल आता हो और वो आपसे स्पॉन्टेनियस सवाल करें, तो आपको जवाब देने की आदत होती है। अक्सर हमारे जो फाजलीन होते हैं उनके साथ ये मसला होता है, उनको शायद इस वजह से आमतौर पर आदत नहीं होती कि अचानक कोई इस तरह सवाल करे। उनको अक्सर खतों किताबों के जरिए सवाल सामने आते हैं तो उनके पास अच्छा एक सोचने का मौका मिल जाता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस जवाब देने के में इंसान कितना मलका होना चाहिए। और यही चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर है असल ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई सवाल कर लेता है, आपका अपना बच्चा आपसे सवाल कर लेता है इस्लाम के ख़िलाफ़, आप क्या जवाब दोगे? ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता हो या फिर आपको नहीं बोलना आता होगा, तो इसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे लोगों को ज़बान की फहमी नहीं, मतलब उनको एक इबारत लिखी भी हो वो नहीं समझ सकते, कोई शेर लिखा हो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। मतलब अच्छी बिल्कुल अच्छी किताबें भी उनकी समझ से बाहर हैं, यानी इस दर्जे पर हो गए हैं, ना अंग्रेज़ी समझ सकते हैं ना उर्दू समझ सकते हैं। तब आप खुद फिर बोलोगे कैसे? आपकी जबान भी आप देखें कितनी गैर मयारी होती है, अब बच्चे में भी वही जबान मुंतकिल होगी। यानी मर्दों बिल्कुल की भी जबान मतलब कोई अच्छी जबान नहीं है, औरतों की भी जबान कोई अच्छी जबान नहीं है, औरतें भी आप देखें कैसी बेतकल्लुफी से बातें करती हैं, मर्दों का भी यही हाल। तो जबान को भी डेवलप करना है कि आप जो है मौजूद हैं तो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैं तो ज़ाहिर मैं ये भी कर सकता था कि मैं सिर्फ उर्दू में बोलूँ, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ मैंने ये भी देखा है कि अगर आप अंग्रेज़ी और उर्दू के अल्फाज को मिलाए नहीं तो लोग समझ नहीं पाते। यानी इस दर्जे में हमारे यहाँ जो है वो जबान का शऊर कम हो चुका है। बिल्कुल, ये अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद भाई का सवाल है कि जो इख्तलाफात होते हैं उनकी हदूद क्या होंगी। यानी हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि सलफ़ ने ऐसा कहा है तो बस आप अपना इस्तिंबात पेश नहीं कर सकते। तो भाई इस पे मैं भी थोड़ा सा शायद कुछ बोल लेता हूँ, काशा भाई भी बोल लेंगे। भाई बात यह है कि इख्तलाफात की हदूद तो ये है कि एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इत्तेफाकी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज है या सहाबा का ईमान है, सहाबा का मिन हैसुल मजमू तमाम बात के लोगों पर फजीलत पाना है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं
या नबी करीम सल्लम की दाढ़ी मुबारक थी, नबी करीम सल्लम के मुतालिक ऐसी बातें जो जिन पर तकरीबन सबका इत्तेफाक है, किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। मुसलमान औरतों का रहन सहन और पर्दा एक 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 हद है जिस पर सबका इत्तेफाक है कि इस कदर पर्दा तो होता था। तो इन चीज़ों पे अगर कोई बंदा आके इख्तलाफ करता है तो जाहिर सी बात है वो फिर उस बंदे की बात की तरफ, उस खास बात की तरफ इल्तफात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर अगर आप इत्तेफाकी बातों पे भी हर किसी को सीरियस लेने लगेंगे तो फिर कोई चीज़ इत्तेफाकी रहेगी नहीं। बाद में ऐसे कितने दावे हुए हैं, मिसाल के तौर पर कुरान की कुछ सूरतों के बारे में ऐसे दावे हुए हैं, सूरह यूसुफ के बारे में दावा किया है खवारिज के गिरोह ने कि ये कुरान का हिस्सा नहीं हो सकती, इसमें नामुनासिब बातें और नाउज़ुबिल्लाह फहश बातें लिखी हैं, हालांकि सूरह यूसुफ का कुरान में होना बिल्कुल यकीनी है और इत्तेफाकी है। अब ये कि सलफ़ में से बात कुछ कहते हैं कि सलफ़ ने कह दिया तो अब आप इस पर बात अपना नहीं कर सकते, तो भाई ये अहकाम की हद तक तो दुरुस्त है जो अहकाम रोज़मर्रा पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज के अक्सर मसाइल हैं जो सलफ़ से लेके हम खलफ तक और हमारे दौर तक पेश आते रहे हैं और बार बार पेश आते हैं। अब उनमें सलफ़ में ठीक ठाक अच्छा खासी लिखा जा चुका है और जो सूरत हाल जो सूरतें ऐसी हैं जो उनके दौर में पेश आती थी हमारे दौर में पेश आती थी और उस पर वो लिख चुके हैं, तो उसमें मज़ीद आप क्या लिखेंगे? ज़बरदस्ती के मसले ईजाद करेंगे तो वो अलग बात है, वो तो फिर दीन में एक नई चीज़ दाखिल करने वाली बात हो गई। हाँ ऐसे मामला आते हैं कि जो उस दौर में पेश नहीं आए या शाद व नाज़िर पेश आए होंगे और हमारे पास एक आध इमाम का ही कॉल मिल पाता, उसमें कोई तफसील से गुफ्तगू नहीं मिल पाती, तो उसमें तो इज्तिहाद की गुंजाइश है क्योंकि वो मसला मशहूर नहीं हुआ। लेकिन जो मसाइल मशहूर हो चुके हैं और उन पर लिखा जा चुका है उस पर बंदा क्या नया मजीद ईजाद करेगा? क्या मौजूदा दौर के मसाइल इस कदर कम है कि उन पर ना सोचा जाए और पुराने मसलों पर ही उस पर जो है दोबारा रोशनी डाली जाए और फिर उसमें नए नए हल निकाले जाए? ये तो फिर इस्लामी लिटरेचर को ही मतलब गंदा करने वाली बात है। कितने ऐसे मसाइल हैं मौजूदा दौर के जिनका सलफ से वास्ता नहीं पड़ा, डिजिटल सोशल मीडिया के मसाइल हैं, डिजिटल मीडिया है, कैमरा है, इस पर उलमा में इतने अर्थ तक बहस रही है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अब स्पीकर आया उलमा में उस पर बहस हुई, ठीक है, और इस कदर मामला आते हैं। अभी ट्रांसप्लांटेशन का मसला है कि खंजीर के दिल की ट्रांसप्लांटेशन, ये नया मसला है, तो इस पर इंसान इश्तिहार पेश करे तो उसकी काबिल नज़र भी है। वो मसाइल जिन पर वैसे ही 5-5 हज़ार किताबें लिखी जा चुकी हैं, हर फिका की किताब में उस पर 20-20, 200 सफ़ात लिखे हुए हैं, इस पर बंदा अगर कोई उस पर भी आगे कोई नया इश्तिहार पेश करता है तो फिर ऐसा बंदा शोहरत के अलावा किसी और चीज़ का तालिब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, वो सिरे से रखना डालना चाह रहा है जो उम्मत मुस्लिमा के मुसलमा मसाइल हैं। और ये मामला अकायद के साथ है, कुछ अकायद ऐसे हैं जो सलफ में बार बार डिस्कस हुए हैं, जैसे सहाबा का ईमान है या तकदीर का इस बात है, इस पर सलफ ने बाकायदा किताबें लिखी हैं, अल्लाह ताला की असमाओ सिफात में जो है उनका इनकार नहीं करना जैसे जहमिया करते थे। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिनमें सलफ में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, तो उन पे किसी एक आध इमाम का कॉल मिलता है, बाद में आके इख्तलाफ करता तो समझ में आता है कि सलफ़ में ये मामला इतने मशहूर नहीं थे और इसलिए शायद एक आध ही कोई आलिम बोल सका और इस पर मज़ीद तहकीक की जा सकती है, और वो भी उलमा करेंगे, हर बंदा नहीं करेगा बैठ के। लेकिन कोई मसले ऐसे हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उस पर कोई अगर आके लिखना चाहता है तो मैं तो नहीं समझता वो बंदा मुखलिस भी है, चाहे जाए कि उसकी बात को कबूल किया जाए। अल्लाह आलम, बाकी उकाशा भाई भी इस पे कुछ फरमाया है। मैं तो इसको एक ही उसूल से समझता हूँ और वो उसूल ये है कि ख्वाहिश परस्ती से आपने बचना है, और अगर जो राह ख्वाहिश परस्ती से निकलती है वो राह यकीनन जो है वो सरी गुमराही है, उससे ज़ाहिर है बचाना भी है, नसीहत करनी है, चंदीजा नसीहत करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने किसी सूरत जो है उसको कबूल नहीं करना है जो चीज़ ख्वाहिश परस्ती करती जाए। जैसे दौरे हाज़िर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने दीन को पढ़ा हुआ भी नहीं है, पढ़ना चाहते भी नहीं हैं, दिलचस्पी भी नहीं है, अपने दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, और फिर ये बड़े मज़े से दावा कर देते हैं कि मौलवियों ने जो ताबीर बताई है वो पूरी की पूरी गलत है और हम अपनी मर्ज़ी की ताबीर पर चढ़ेंगे। ये जो चीज़ है ये साफ साफ पता लग रहा है उनके अपने बयान से क्या है, ये ख्वाहिश पर यानी आप जो चाहते हो दौरे जदीद के लिहाज से आप उसको दीन पर लागू करना चाह रहे हो। ख्वाहिश परस्ती की ये भी एक चीज़ है, जैसे तारीख़ इस्लाम में यूनानी फ़लसफ़ा जैसे दाखिल होना शुरू हुआ तो हम देख रहे हैं कि दीन इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर से इन्हिराफ़ शुरू होना शुरू हो गया, यानी उसके हर हर मसले पर ऐसी तनकीदी नज़र डाली जा रही है कि जैसे गोया कोई वो दीन से ही एक अलहदा सिस्टम बना दिया गया है, तो जिसे कहते हैं कि मुतवाजी दीन बना दिया है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सरी तौर पर गुमराही होती है। बाकी है कि अगर आपका बुनियादी फ्रेमवर्क सही है, गलतियाँ हर इंसान से हो जाती,
अगर आप बुनियादी उसूली तौर पर एक सही एहसास को दीन को समझ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी सी गलती हो जाती है हर इंसान से, और बसा औकात वो हसास गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनसे दरगुजर करना चाहिए, समझाना चाहिए हर तौर पर। हसास गलतियाँ अगर हो जाएँ खास तौर पर तो उनको समझाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो एक शख्स मुखलिस हमें नज़र आ रहा है और वो दीन की रिवायत से जुड़ा हुआ है और दीन के एहसास को समझने वाला है, तो हमें उससे जो है वो हत्तल इम्कान जो है हमदर्दी का रवैया रखना चाहिए, और ये उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि वो समझ भी जाएगा। अगर हम जो है वो उन चीज़ों को सही से समझेंगे तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो समझ भी जाएगा। तो इख्तलाफ में बस यही चीज़ देखनी चाहिए कि दिल में खुदा सा कोई ये ना हो जाए कभी। इसके सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना कहें जो आपसे पहले किसी ने ना कही हो। आपसे पहले भी अगर किसी काबिल एतमाद शख्स ने वो बात कही हुई है तो एक इत्मीनान हो जाता है आदमी को कि वो उसके दिल में जो चीज़ है कि वो खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी नहीं है कि जो खुद उसने निकाल ली हो, खुद उसने वजह कर दी हो। तो आपसे पहले भी किसी शख्स की दूसरी चीज़ है कि आपकी अपनी नियत का भी मुहासबा कर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा एहतियात का पहलू इंसान को रखना चाहिए, यानी कि अगर दो मसाइल हैं जिसमें शक है और वाज शक है आपको नज़र आ रहा है, तो ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आपने रुख्सत वाले मौजू को मुंतखब कर लिया है। अगर आपको रुख्सत का साबित होना बिल्कुल सरी तौर पर मालूम है कि ये रुख्सत साबित है, यकीन से आप कह सकते हैं कि ये रुख्सत है, ये हमें लीनियंसी दी हुई है दीन ने, तो खुदा किसी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी ऐसी कोई लीनियंसी नहीं हमें सरी तौर पर मालूम है, तो हमें हमेशा एहतियात को अपनाना चाहिए। उसमें थोड़ी सी दिक्कत इंसान को लगेगी, करना चाहिए। यानी कि जैसा कि मेरा अपना तरीका भी यही है कि मुझे बहुत से मसाइल पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन मुझे डर रहता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये कोई मैं मेरे अंदर कोई ख्वाहिश परस्ती आ गई हो या कुछ हो गया हो। तो अमल मैं हमेशा उसी पे करता हूँ जो मसला बज़ाहिर मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो मेरा एहसास होता है मैं बयान कर देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए बस इंसान जो है वो करे, एहतियात का पहलू रखे। और इसे कहते हैं कि रुख्सत, और ये भी एक मसला है ना कि आपने कब रुख्सत पर अमल करना है, कब जो है आपने मुश्किल मसाइल को चुनना है। अजीमत या रुख्सत इन सब की तकसीम है, बिल्कुल उसको भी मैं जिस तरह समझता हूँ मैंने वो बयान किया कि अगर आपको कतई यकीन है कि रुख्सत मौजूद है तो आपने उसी पर अमल करना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर शक है तो फिर तो उसी राह को अख्तियार करना है कि आपने जो है वो एहतियात को पहलू को रखना है। इस तरीके से इंसान मैं समझता हूँ उम्मीद यही है कि बच जाएगा किसी गुमराही से या कुछ ऐसी चीज़ से। तो ये भैया अम्मार सईदी भाई आ गए, ये कह रहे हैं मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया। भाई कराची में नहीं हो, कराची में 7:45 तकरीबन जमात खड़ी हो रही है इस वक्त, तो हमारा तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन हमें इसको शायद अभी इख्तिताम तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। और मैं तो बोलूँगा कि इसको अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह किसी मौजू के साथ आएंगे, और काशा भाई से भी उम्मीद है वो भी हामी भरेंगे और दूसरे भी भाइयों को लाएंगे। और भी कोई आना चाहता है तो आ जाए, अदब और एहतराम के दायरे में रहकर किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता है, तो फिर इंशाल्लाह अगले इतवार को शाम को भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक सेशन कर लें जिसमें काशा भाई अपना जवाब देते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह इस मौजू को यहाँ पे अब रैप अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।